पापा मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। यही कहता वो मासूम हमेशा के लिए सो गया। और देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना ऐसी वारदातें होती रहती हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है और रूह कांप जाती है। लेकिन इस तरह की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें यूपी के जिला बहराइच का निवासी नावेद पिता रफीसुद्दीन अपने परिवार सहित दिल्ली के वेस्ट संतनगर बुराड़ी इलाके में रहता था और उनकी आपसी रंजिश के चलते उनके घर का चिराग बुझ गया। पुलिस का कहना है कि मृतक के पिता ने आपसी रंजिश के चलते उसके पुराने नौकरों ने अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए उस मासूम को अगवा किया और उसको चाकुओं से गोद के मार दिया। दरअसल हुआ यूं था कि रफीसुद्दीन के यहाँ काम करने वाले नौकरों ने 25,000 रुपए की मांग की थी तो मृतक के पिता ने उसको यह रकम दे दी और बाद में उन्होंने उनसे और पैसे मांगे जिसको देने से उन्होंने मना कर और इसी ना ने उनके बेटे की जान ले ली। अब सवाल ये उठता है कि चंद रुपयों के सामने किसी की जान की कीमत नहीं है, क्या उस मासूम को मारने के बाद उनको पैसे मिल जाएंगे? क्या इसी को इंसानियत कहते हैं? SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।